तो हम लोग रिस्क और मैनेजमेंट के बारे में पढ़ेंगे बेसिकली फिर इंफॉर्मेशन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है वो कि ट्रांसपोर्ट रिमूव्स द हिंड्रेंस, तो अगर ट्रांसपोर्ट है तो क्या चीज की कमी को दूर करता है, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है या सामान वेंडर्स के तौर पर बेच रहे हैं, तो मोस्टली ये क्या चीज में होता है कि प्लेसेस में, क्योंकि ट्रांसपोर्ट प्लेस का जगह का कमी है तभी आप ट्रांसपोर्टेशन में जाएंगे, तो दैट्स व्हाई प्लेस टाइम बेसिस पॉइंट्स का कोई मतलब नहीं है ट्रांसपोर्टेशन से, क्योंकि समय अगर हम ट्रांसपोर्टेशन में है बार बार कोई भी वेंडर, फॉर एग्जाम्पल अगर आप वेंडर्स को देखेंगे तो वो जिसके पास जगह नहीं रहता वही ट्रांसपोर्ट इधर उधर करता है, तो ट्रांसपोर्ट रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। तो वैसे ही इंश्योरेंस जो है क्या चीज के हिंड्रेंस को रिमूव करता है, तो कोई भी चीज का जो रिस्क होता है उसके हिंड्रेंस को कम करता है, खत्म करता है। तो इंश्योरेंस हमेशा जो हमारे लाइफ रिस्क में रहता है तो हम लाइफ को इंश्योरेंस करा देते हैं या कंपनी का इंश्योरेंस कराते हैं, तो कोई तरह का रिस्क को कम करता है, हिंड्रेंस दूर करता है। एक्टिविटीज अराउंड द ट्रेड, तो ट्रेड के अलग अगल बगल जो भी बिजनेस करने वाले हैं तो क्या क्या एक्टिविटीज होते हैं, तो हमारा ऑप्शन है ट्रांसपोर्ट, पैकेजिंग, इंश्योरेंस, तो ये तीनों ही एक्टिविटीज हैं जो ट्रेड के अराउंड होते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनी जो है वो कैसा कंपनी, तो ये मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है क्योंकि वहां पे दवाइयां बनती है, सो इट्स अ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। पार्टनरशिप बिजनेस को हम लोग फर्म आप भी बोलते हैं, जनरली जो भी पार्टनरशिप वाला बिजनेस होता है उसको एक सिंगल वर्ड में हम लोग फर्म भी बोलते हैं। पार्टनरशिप बिजनेस के लिए मैक्सिमम नंबर ऑफ जो पर्सन होते हैं वो 20 होते हैं और मिनिमम नंबर 2 होते हैं, पूछे तो 20 and 2 0 का पार्टनर वाला है। नॉमिनल पार्टनर, जो भी नॉमिनल पार्टनर होता है उसका इन्वेस्टमेंट में या प्रॉफिट लॉस में कोई भी शेयर नहीं होता है, वो बस नामित होता है। पार्टनर बाय इज टू फिल स्पेस बिकॉज ऑफ बिहेवियर, आदमी के जो बिहेवियर है उस वजह से वो पार्टनर्स होता है। नेक्स्ट है कि ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी होता है वो कौन सा के अंतर्गत आता है, तो वो कंपनी एक्ट के अंतर्गत आता है। जनरली बीएससी में जो भी पढ़ेंगे बेसिकली ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट, तो हमारा दवाई और कॉस्मेटिक का इंपोर्ट एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग रिलेटेड है, इंडस्ट्री से रिलेटेड एक्ट है, तो यहाँ पे कंपनी एक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राइवेट कंपनी में कितने नंबर पर्सन्स इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो कोई भी प्राइवेट कंपनी में 2 से 50 लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं। पब्लिक कंपनी अगर है तो वहाँ पर मिनिमम 7 और उसका ऊपर कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि वो पब्लिक कंपनी होती है जनरली गवर्नमेंट टाइप की हो जाती है, तो वहाँ पे अपर लिमिट्स वहाँ पे नहीं होता, बट मिनिमम 7 होना चाहिए। अगर कोई भी गवर्नमेंट कंपनी है तो उसमें मिनिमम शेयर जो गवर्नमेंट का होता है वो 51% होता है, 1% जैसे 50-50 का कोई पार्टनरशिप नहीं होता, 1% जिसका रहता है ज़्यादा वो उसका कंपनी का मालिक हो जाता है। तो अगर गवर्नमेंट कंपनी है इसका मतलब है कि उसका एटलीस्ट 51% गवर्नमेंट का शेयर है उसमें। उसके बाद है कि हु इज नॉट फंक्शनल मिडिल मैन, तो बीच का मिडिल मैन कौन नहीं है, तो रिटेलर मिडिल मैन नहीं होता, बिचौलिया जिसको हम लोग बोलते हैं, तो बिचौलिया रिटेलर नहीं होता, वो डायरेक्ट सेल करता है। तो ब्रोकर ये सब जो भी एजेंट है वट एवर एजेंट, तो ये सारे क्या है कि मिडिल मैन है, सिर्फ रिटेलर जो है वो मिडिल मैन बिचौलिया नहीं है।
थोड़ा नेटवर्क इशू है, तो वो इज नॉट मर्चेंट मिडिल मैन, तो जो मतलब सामान बेचने वाला मिडिल मैन कौन नहीं है। तो अब होलसेलर क्या है कि वो तो सामान बेचता ही है, स्टॉकिस्ट होलसेलर को ही कहते हैं हम लोग, और रिटेलर भी सामान बेचता ही है। मर्चेंट कहने का मतलब है कि व्यापार करने वाला, तो यहाँ पे एक कमीशन एजेंट ही है जो सिर्फ ब्रोकर का काम करती है, वो सामान बेचने का काम नहीं करते, तो दैट्स व्हाई कमीशन एजेंट। इटिनरेंट रिटेलर क्या होता है कि जो सामान अपना स्थिर जगह पे नहीं बेचता हो, गली मोहल्ले में बेचता हो, या अभी ट्रांसपोर्टेशन में बेचता हो, घूम घूम के बेचता हो, तो वो कौन होगा? हॉकर्स, पेडलर्स, स्ट्रीट ट्रेडर्स या मार्केट ट्रेडर्स, ये सारे कोई एक जगह नियत नहीं होता, तो वो सभी अपना सामान इधर उधर बेचते हैं, तो इन्हीं को हम लोग इटिनरेंट रिटेलर कहते हैं। उसके बाद है फैक्टर अफेक्टिंग द साइट ऑफ सिलेक्शन ऑफ ड्रग स्टोर। तो ड्रग स्टोर का जो साइट हम सेलेक्ट करते हैं, तो क्या क्या चीज पे डिपेंड करता है? तो पहला बिजनेस लोकेलिटी क्या है, वो बिजनेस एरिया है या नहीं है, वहां का ट्रैफिकिंग क्या है, लोकलिटी क्या है, तो ये सारे फैक्टर्स पे वो डिपेंड करती है। उसके बाद है मिनिमम स्पेस क्या होना चाहिए लंबाई चौड़ाई में, तो 108 और 15 स्क्वायर मीटर दोनों होने का, 10 और 108 स्क्वायर मीटर दोनों होना चाहिए लंबाई चौड़ाई। ओके, अकॉर्डिंग टू ड्रग एंड कॉस्मेटिक रेफ्रिजरेटर हमको क्यों चाहिए? तो जो भी फार्मासिस्ट लोग हैं उनके दुकान में रेफ्रिजरेटर रहता है, तो इन तीनों के लिए चाहिए, तो एंजाइमेटिक प्रिपरेशंस के लिए, क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर हाई होगा वो डिनेचर हो जाएगा, खराब हो जाएगा। वैक्सीनेशन सेरा के लिए तो कंपलसरी है रेफ्रिजरेटर, एंड विटामिंस के लिए सो ऑप्शन विल बी ऑल ऑफ दैट। नेक्स्ट है हमारा कि रिन्यूड लाइसेंस कब तक वैलिड होता है। तो जैसे आपका लाइसेंस वैलिड 31 दिसंबर तक होता है, तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन तो ये सभी लोग जानते हैं, डिप्लोमा इन फार्मेसी। फॉर्म रिक्वायर्ड फॉर एप्लीकेशन ऑफ शेड्यूल सी एंड सी1 ड्रग फॉर डिटेल्स लिख के जो हमारा फॉर्म होता है वो 19 होता है। ये तीनों क्वेश्चंस लगभग आपके ड्रग जूडी स्टूडेंट से भी मिलेंगे। प्राइसिंग मेथड क्या है? तो फीफो, लिफो और एवरेज कॉस्ट मेथड, ये तीनों ही प्राइसिंग मेथड है। बजट का ऑब्जेक्टिव्स क्या है? तो कितना इनकम हुआ, कितना एक्सपेंडिचर हुआ, कितना हमारा प्लान ऑफ एक्शंस रहा, या कंपैरिजन करना हुआ, तो ये सारे चीज हम लोग बजट में बनाते हैं। तो आंसर विल बी ऑल ओवर द अबव। पार्टनरशिप टाइप का एडवांटेजेस क्या क्या होता है? तो बेसिकली पार्टनरशिप क्यों करता है? जब फाइनेंशियल्स कुछ दिक्कत होने लग जाए, एक को पैसे की कमी है, तो दो एक साथ मिलकर पार्टनरशिप करते हैं, तो यही उसका रहता है। तो यहाँ पे जो भी ऑप्शंस दिए हैं वो इसमें फिट नहीं बैठते, सो नॉन ऑफ द अबव। एडवांटेज ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनी, अब ये जो ज्वाइंट स्टॉक कंपनी है इसका एडवांटेजेस क्या है? तो इसका जो शेयर्स होता है, तो ये क्या है कि इजिली दूसरे में ट्रांसफरेबल है, किसी को भी इजिली दे सकते हैं आप, ट्रांसफर कर सकते हैं किसी में भी। और ये जो है कि जनरली इजिली कैश में कन्वर्ट भी हो जाता है, इस वजह से क्या है कि इसमें इन्वेस्टर्स ज्यादा आते हैं, जो जिन इजिली कैश में कन्वर्ट हो जाए तो ऑब्वियस लोग उसके इधर ज्यादा आकर्षित होंगे ही। इन्वेंट्री कंट्रोल के टेक्निक्स क्या है? तो ये तीनों टेक्निक्स इन्वेंट्री कंट्रोल के हैं, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी, परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, इनपुट आउटपुट रेशियो एनालिसिस। उसके बाद है कि सेलिंग फीचर ऑफ मल्टीपल शॉप। तो मल्टीपल शॉप क्या होता है कि ये बहुत सारा शॉप होता है एक ही ब्रांच का एक जगह में, उससे क्या होता है कि सभी लोग वहां से खरीद सकते हैं। क्वालिटी ऑफ अप्रूव्ड सप्लायर, तो जो सप्लायर है कोई भी सामान को सप्लाई कर रहा है, तो उसका क्वालिटीज क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए? तो कॉम्पिटिटिव तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक होना चाहिए, कि जो भी उसका कॉम्पिटिटर है उसके तुलना में वो प्राइस कम में दे, ऑब्वियस, क्योंकि आप भी कोई किसी से सामान अगर खरीद रहे हैं तो आप दोनों को पहले क्या बोलते हैं कंपेरिजन करेंगे, तब देखेंगे जिसका कमी है उससे आप लेंगे, दूसरा कम है प्राइस उससे लेंगे, दूसरा क्या है कि उसका रिपुटेशन देखेंगे, तो
अगर वो उसका रेपुटेशन काफी अच्छा है तो उसमें भी डिपेंड करता है। और थर्ड क्या है कि उसके पास फाइनेंशियल पोजीशंस सही होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेल ऑर्डर बिजनेस क्या होता है। तो ये रिटेल ट्रेड होता है बूस्ट के द्वारा। नेक्स्ट, जर्नल बुक, जो भी ओरिजिनल एंट्री हम लोग करते हैं उसको हम लोग जर्नल बोलते हैं। कोई नॉर्मल जो ओरिजिनल कॉपी होता है उसको हम लोग जर्नल बोलते हैं। उसके बाद है कि जो भी शॉप एक्ट लाइसेंस के अनुसार कितने दिन के लिए वो वैलिड होता है, तो ये ओनली 3 इयर्स के लिए वैलिड होता है। नेक्स्ट है कि फिक्स कैपिटल किसको कहते हैं। फाइनेंस का यूटिलाइजेशन में फिक्स कैपिटल में जो इन्वेस्ट करते हैं तो किस में इन्वेस्ट करते हैं, तो जो फिक्स कैपिटल है तो वो हमारा मेनली किसको आधारित रहता है, प्लांट एंड मैसिनरीज पे। उसके बाद है क्लियरिंग और फॉरवर्डिंग एजेंट जो होता है उसका मेन फंक्शंस क्या होता है, वो काम क्या करता है। तो क्या करता है कि सेल्स टैक्स को सबमिट करता है, रिटर्न्स को भरता है, यही काम रहता है उसका बेसिक। वेट में जो डी तो डी किसके लिए रहता है, तो डिजायरेबल आइटम्स के लिए रहता है कि वो अलग प्लेटफॉर्म है वही, तो उसका जो डी है वो तो डिजायरेबल आइटम्स के लिए रहता है। अल्फा न्यूमेरिक क्वालिफिकेशंस, अल्फा न्यूमेरिक मतलब नंबर भी हो और अल्फाबेट्स भी हो, तो ये किसके लिए सुटेबल है, तो जनरली बेसिकली लार्ज स्केल ऑर्गेनाइजेशंस के लिए, जैसे कार की कंपनी है, नंबर जो नंबर प्लेट देती है तो उसमें दोनों नंबर रहती है तो अल्फा न्यूमेरिक रहता है। परचेज इंडेंट, कोई भी कंपनी अपना जो परचेज इंडेंट बनाती है, इंडेंट क्या कहते हैं कि जैसे मान लीजिए कि मेरा कोई कंपनी है तो वहां पे हमने बहुत कुछ खरीदने के लिए कुछ भी परचेज के लिए बनाया है कि हमको ये चीज परचेज करना है, तो वो मेरा खुद का अपना इंटरनल डॉक्यूमेंट्स है, वो हम किसी और को नहीं दिखाएंगे। तो परचेज इंडेंट हमेशा क्या है, इंटरनल डॉक्यूमेंट्स होता है। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी है, ये क्या होता है, तो ये इसका मेन उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य क्या है कि जो भी कॉस्ट लग रहा है, चाहे वो कैरिंग कॉस्ट रहे या ऑर्डरिंग कॉस्ट रहे, उसको मिनिमाइज करना, उसको कम करना। जो एक और क्वेश्चन है कि कौन सा एडवर्टीजमेंट सही रहेगा अनएजुकेटेड मीडियम, तो जरूरी नहीं सभी लोग पढ़े लिखे हो, तो पेपर, न्यूज़पेपर, ये सबके लिए तो पढ़ा लिखा होना जरूरी है तभी वो पढ़ पाएगा। तो ऑटो विजुअल जो टीवी पे एड्स आते हैं उसके लिए पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो सुनेंगे और उनको समझ में आएगा। तो ऑडियो विजुअल वैसे लोगों के लिए काफी सही होता है। अब फाइनेंशियल ईयर कब खत्म होता है, 31 मार्च, 31 दिसंबर, ये सब नहीं होगा क्योंकि ये जनरली आप जानते होंगे कि इतना मार्च तक सभी का बैंक बैंक का भी काम रहता है, तो फाइनेंशियल ईयर हमेशा 31 मार्च तक का ही रहता है। ड्रग प्रोसेस के दौरान या स्टॉक जो बनाते हैं हम लोग, या स्टॉक चढ़ाते हैं, तो आप हमेशा सब कुछ मैनुअली तो नहीं कर सकते, तो हम देखेंगे बार कोड रीडर रहता है, स्कैनर, बार कोड, उसमें स्कैन कोड लगा रहता है, आप स्कैन करके और वो चलती जाता है, तो उसके लिए जो डिवाइसेस को क्या कहते हैं, तो बार कोड रीडर। और समय भी जाते हैं तो वो बार कोड रीडर लेके भी रहता है। मटेरियल मैनेजमेंट मतलब क्या होता है कि ड्रग स्टोरेज, इन्वेंट्री कंट्रोल एंड ड्रग प्रोक्योरमेंट प्रोसेस, ये सारा मिलके बना है मटेरियल मैनेजमेंट। अब जो भी कोई भी डिपार्टमेंटल सोर्स, उसका मेन उद्देश्य क्या होगा, ऑब्वियस बहुत ज्यादा से ज्यादा ग्राहक आए, ग्राहक को अट्रैक्ट करना, तो ऑब्वियस कस्टमर, कस्टमर से हमेशा रेगुलर कांटेक्ट में कौन रहता है, तो होलसेलर नहीं रहता क्योंकि तो उसके कांटेक्ट में रिटेलर रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर भी नहीं रहता, तो जो कस्टमर है वो हमेशा किसके पास जाता है, रिटेलर के पास। रिटेलर जो फार्मास्यूटिकल ट्रेड में है, मार्केट ट्रेड का क्वेश्चन नहीं है, ये सिर्फ फार्मासी लेते हैं, तो उसके लिए हम लोग क्या बोलते हैं, फार्मासिस्ट बोलते हैं या केमिस्ट बोलते हैं, तो दोनों हम बोल सकते हैं रिटेलर। मिडिलमैन जो होते हैं, मर्चेंट मिडिलमैन जो मतलब बेचने वाला है सामान, तो वो होलसेलर भी होता है और रिटेलर भी होता है। होलसेलर को ही स्टॉकिस्ट कहते हैं क्योंकि उसी के पास सबसे ज्यादा स्टॉक रहता है, दैट्स व्हाई। उसके बाद है इटिनरेंट रिटेलर। इटिनरेंट रिटेलर क्या, इनका कोई फिक्स प्लेस नहीं होता, ये एक जगह से दूसरे जगह मूव करते हैं।
डायरेक्ट सेलिंग मैन्युफैक्चरर्स में डायरेक्ट बेच रहे हैं, तो बेचेगा किसका? ऑब्वियस बीच का कोई बिचौलिया नहीं होगा, कोई होलसेलर नहीं होगा, कोई डिस्ट्रीब्यूटर नहीं होगा, तो किसको बेचेगा? डायरेक्टली कंज्यूमर में, डायरेक्ट नाम से ही पता चल रहा है। मेल ऑर्डर जो होता है वो हमेशा डायरेक्ट टाइप का सेलिंग होता है। मिनिमम नंबर पार्टनरशिप के लिए 2 होता है और मैक्सिमम नंबर 20 होता है। नेक्स्ट है कि मिनिमम नंबर पब्लिक कंपनी में कितना होना चाहिए, तो 7 होना चाहिए, और आउटर मैक्सिमम कितना होना चाहिए ये नहीं बताया गया है, सो मिनिमम 7। तो आज हम लोग 50 क्वेश्चन ही करते हैं, नेक्स्ट डे हम लोग और नेक्स्ट करेंगे, ठीक है? एनी डाउट यू कैन आस्क मी।